आज दिनांक 28 नवंबर 2022 को थाना क्षेत्र के अंतर्गत मशरूम गंज के समीप रोड पर एक ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए बाला बुलडोजर का गर्जा बुलडोजर एसडीएम जसराना पारसनाथ के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में हमें एक शिकायत पत्र के माध्यम से पता चला था, ग्राम सभा की जगह पर भूमि माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। जमीन को भूमि माफियाओं से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी के दिशा निर्देश में बेखौफ होकर बाबा बुलडोजर का गर्जा बुलडोजर मुख्यमंत्री के आदेश हुए पालन करना प्रशासन का दायित्व है। इसके साथ साथ बताया गया, आप बगल वाले व्यक्ति ने इसमें कब्जा करके आलू की बुवाई कर रखी थी, जिसको आज कब्जा मुक्त करके खाली करा दिया गया है। यह जमीन सरकार के द्वारा पर या गौशाला कार्य के लिए नियुक्त की गई थी। इस गौशाला की जमीन पर भूमि माफिया अपना कब्जा बनाए बैठे थे और इसको नहीं छोड़ना चाह रहे थे। आज बड़ा ही सरलता करे दिशा निर्देशों में एसडीएम पारसनाथ जसराना, सीओ जसराना अवनेश कुमार एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में उपरोक्त भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कराया गया खाली। यह कारनामे देखते यह अन्य भूमि माफियाओं में मची खलबली। क्या मामला है, आज जगह वो क्या खाली कराया, कौन सी जगह की जगह है? आज हम लोग समाधान दिवस में आए थे, थाना समाधान दिवस में सीओ साहब हम लोग गए तो शिकायत प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक ग्राम समाज की जमीन पर, जिसको पहले चारा बोने के लिए चिन्हित किया गया था, क्योंकि फरिया में गौशाला है तो चारा की कमी होती है, तो उसके लिए कर दिया था। तो उसको एक पड़ोसी काश्तकार ने जबरदस्ती जोत के अपने खेत में मिला के आलू बो दिया था, तो उसको हमने खाली करवा दिया। दूसरी 299 काटा नंबर उसी से सटा हुआ, इसमें 3-4 पट्टेदार हैं जिनकी ज़मीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो उनको भी चिन्हित करा के आज खाली करा दिया है ट्रैक्टर चलवा करके, और इनका समाधान स्थायी हो जाए। ये महिला हैं, गरीब हैं, ये लड़ते लड़ते परेशान हो गई हैं और आज तक इनको कब्जा नहीं मिला, तो आज हम लोगों ने इस कार्य को संपन्न कर दिया। सर, कौन से थाने में आप आए थे और कौन सी जगह आपने खाली कराई है? ये फरिया थाने में आए थे, और इसी कौन से गांव लग रहा भाई, मरसलगढ़ रोड पर ये जमीन थी, तो आके हम लोग।